वेलकम दोस्तों हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। आज हम स्विंग कंपोनेंट के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि जावा एप्लीकेशन का एक पार्ट है। स्विंग कंपोनेंट हमारा जो होता है वो स्विंग पैकेजेस के अंदर होता है। स्विंग पैकेजेस के अंदर हमारा जो जे फ्रॉम क्लास है उसमें हम कंटेनर यूज करते हैं, फिर लेआउट करते हैं कंटेनर का। ये सब जो हमने यहाँ पे ये सब मेथड्स हैं, सेट विजिबल, सेट बाउंड, सेट लेआउट, ये जो तीन मेथड है हम ये यूज करने वाले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सेट लेआउट क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। सेट लेआउट हमारा वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे हमारा कंटेनर, हमने एक कंटेनर होता है जो कि कंपोनेंट को कंटेन करता है, तो हम कंटेनर का लेआउट सेट करते हैं। लेआउट हम कंटेनर का सेट, बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट एंड कार्ड लेआउट एंड ग्रिड लेआउट, ये लेआउट्स हैं हमारे, वो AWT पैकेज से आते हैं। हम पैकेज जो हम इंस्टॉल पैकेज को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम बताएंगे AWT पैकेज इंपोर्ट करना होता है इसके लिए। फिर सेट बाउंड्स जो होता है, वो सेट बाउंड हमारा जो कंपोनेंट होता है कंटेनर्स के, उस कंपोनेंट को लोकेशन देता है। सेट बाउंड्स में हमारे 4 पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर हमारा वाई एक्सिस होता है, सेकंड पैरामीटर हमारा एक्स एक्सिस होता है, एंड फोर्थ पैरामीटर हमारा हाइट होता है, फोर्थ हमारा विड्थ एंड हाइट हाइट होता है, एंड थ्री हमारा हाइट होता है, फोर्थ हमारा विड्थ होता है। तो हम यहाँ पे ये हमारा हो गया, मतलब वो सेट बाउंड क्या करता है, हमारा लोकेशन कंपोनेंट का डिफाइन करता है। चलिए हम देखते हैं सेट विजिबिलिटी क्या होता है। सेट विजिबिलिटी हमारा जो फ्रेम होता है उसको विजिबिलिटी देता है ट्रू। अगर हम सेट विजिबिलिटी फॉल्स कर देंगे तो हमारा फ्रेम नहीं दिखेगा, वो फ्रेम की विजिबिलिटी को इंडिकेट करता है। फिर कंपोनेंट्स, इसने बताया कि कंटेनर्स में कंपोनेंट लिस्ट हो गए, बटन्स हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, लेबल्स हो गए, टेक्स्टरिया हो गए। तो हम इसमें से एक दो एग्जांपल देखेंगे, बाकी का आपको आइडिया हो जाएगा कैसे यूज करते हैं। तो हम चलिए एक प्रोग्राम रन करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक लेबल और एक बटन बनाएंगे और एक जे लिस्ट का थोड़ा सा ये है। तो हम बटन और लेबल बनाएंगे। तो हम क्रिएट करते हैं एक प्रोग्राम, जाते हैं नेटबीन्स में और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं जावा क्लास। जावा में हमने जावा एप्लीकेशन में नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे जावा कंपोनेंट तो उसमें ऑलरेडी जावा कंपोनेंट्स नाम का एक पैकेज आ जाता है। कभी भी पैकेज जो हम लिखते हैं हम सबसे टॉप पे लिखते हैं, अगर बीच में पैकेज लिखेंगे तो में एरर आएगा। तो हम यहाँ पे पैकेज हमारा टॉप पे हो गया, अब हमने इसको हटा दिया, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमारा जो कि हमने बोला था AWT और स्विंग पैकेजेस, इंपोर्ट जावा डॉट AWT, जिसमें कि सब लेआउट्स आते हैं, फ्लो लेआउट हो गया, चार्ट लेआउट हो गया, बॉर्डर लेआउट हो गया, कार्ड लेआउट हो गया, ये सब लेआउट्स जो हैं वो हमारे AWT से आते हैं। तो AWT डॉट हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक डालना है। ओके, अब हम एक इंपोर्ट करेंगे हमारा जावा डॉट स्विंग क्लास को। जावा एक्स होता है, एक्सटेंसिबल होता है। स्विंग एक्चुअली स्विंग जो होता है AWS का एक्सटेंशन है, AWS का एडवांस वर्जन है स्विंग। जितने भी कंपोनेंट्स हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, तो हम ये स्विंग क्लास यूज करेंगे इसका। स्विंग पैकेज हमने इंस्टॉल कर दिया। ओके, अब हमारा ये मेन मेथड का क्लास है, तो हम एक खुद का अपना क्लास बनाएंगे। इसमें
करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट हम मेन क्लास को देंगे। ये हमारा मेन मेथड है। तो हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं CLAWS जावा कंपोनेंट नाम का हमने क्लास बनाया और हमने इसी का एक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया कंट्रोल भी करके, हमें इनिशियलाइजेशन करने में आसानी होगी। जैसे कि आपको पता है कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, कोई भी वेरिएबल इसमें वेरिएबल नहीं है फिर भी हमने जो कंपोनेंट को इनिशियलाइज करना होता है तो हम यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेरेशन हम ऊपर करते हैं। तो अब हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है तो हम एक्सटेंड करते हैं। जे फ्रेम के अंदर सब कंपोनेंट्स होते हैं तो हम वो एक्सटेंड करना होगा, जे फ्रेम को एक्सटेंड करना होगा हमें यहाँ पे। और जो जे फ्रेम होता है हमारा स्विंग कंपोनेंट स्विंग पैकेज के अंदर होता है। जैसे हम जे फ्रेम यूज करेंगे यहाँ पे JFRAME जे फ्रेम हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। अब हम जे फ्रेम हमने एक्सटेंड किया है और सिंपल सा हम एक कंटेनर लेंगे। जैसे हमको हम आपको ऑलरेडी बताए हुए थे कंटेनर हम यूज करेंगे जिसके अंदर सब कंपोनेंट्स होंगे, तो कंटेनर का भी हम एक बनाएंगे। कंटेनर एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे CON। अरे यार देखो और तो हम यहाँ पे कंटेनर है CONTAINER कंटेनर में हम सी को इसका हमने वेरिएबल बना लिया है। अब हम यहाँ पे देखो वहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इनिशियलाइज करेंगे। सी हमने इसको सी को बोला है कि दिस डॉट गेट कंटेंट पेन यूज करते हैं उसके लिए, तो हमने गेट कंटेंट पेन यूज कर लिया है। अब हम सी को लेआउट देंगे, हम जिससे आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि लेआउट यूज लेआउट कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया हुआ था। लेआउट में बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, कार्ड लेआउट ये सब लेआउट यूज करते हैं, तो हम फिलहाल इसमें फ्लो लेआउट यूज करेंगे। तो हम इसको फ्लो लेआउट को हम करेंगे तो FLOW फ्लो लेआउट इसको देखने आएगा। फ्लो लेआउट का भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे FL करके इक्वल टू न्यू फ्लो लेआउट FLOW न्यू फ्लो लेआउट। अब हम जब भी हमें ये फ्लो लेआउट की जरूरत पड़ेगी हम इसके ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो हम सी डॉट सेट लेआउट करेंगे, सी को सेट लेआउट करेंगे और इसमें हमने सेट लेआउट में हमने हम इसका फ्लो लेआउट करेंगे तो हम एफएल कर देंगे तो हमारा ये फ्लो लेआउट इसका से हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा कंटेनर है वो फ्लो लेआउट टाइप का हो गया। चलो हम फ्लो लेआउट कर दिए। अब हमें एक हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जे बटन बी यू, जे बटन ले लीजिए बी वन कर दीजिए और चलो हम जे टेक्स्ट बॉक्स भी ले लिए, जितने भी हम आपको बता दे रहे हैं कैसे यूज करते हैं। जे टी ई टेक्स्ट, जे टेक्स्ट फील्ड ले लिए हमने, हमने यहाँ पे टी वन दे दिया और हमने एक जे लेबल भी दे दिया। समझ लो हम आपको सिखा रहे हैं जे लेबल कैसे यूज करते हैं, उसको हम ये कंपोनेंट्स हमारे हैं हम इसको डिक्लेयर करने पर जे लेबल एल ए जे लेबल हमने ले लिया, हमने एल वन ले लिया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बटन ले लिया, फील्ड ले लिया, लेबल ले लिया। तो चलो हम एक बनाते हैं, एक हमारा लेबल रहेगा, एक हमारा फील्ड रहेगा, एक हमारा बटन रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे सबको। हमें हमने वहाँ पर डिक्लेयर कर लिया लेकिन हमको उसको इम्प्लीमेंट हमने इनिशियलाइज नहीं किया उसको, तो हमने अब हमें बी वन, चलो हम लेबल को पहले करते हैं एल वन को, एल वन डॉट एल वन इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हमें हर वो जो हमारा कंटेनर बटन है सब क्लासेस है तो हमें एल वन न्यू ये लेबल करना होगा। अब हमारा जे लेबल हम यहाँ पे इसको पैरामीटर पास करेंगे, जे लेबल में हमें जो लिखना होता है हम जो लिखते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है। ये हमारा कीबोर्ड सेटिंग चेंज हो गया,
देखते हैं क्यों चेंज हो गया ये। ओके हम इसमें से लिख दिए कि इंटरव्यू नेम एन ए एम ई, हमने नेम डाल दिया और उसको ये कर दिया। हमने L1 को भी इनिशियलाइज कर दिया। अब हम बटन को करेंगे, हमने B1 लिया हुआ है तो B1.new J बटन हमने यहाँ पे ओके बटन में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे बटन में, ओके हम ओके लिखेंगे, हमें बटन पे ओके लिखा हुआ दिखेगा। और हम टेक्स्ट फिल हो गया तो हम T1 भी ले लेंगे, तो T1 इज इक्वल टू ये सॉरी न्यू टेक्स्ट फील्ड हमने कर दिया यहाँ पे। ओके तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अभी हमने बस इसको बनाया हुआ है, मतलब हमने बस लिया हुआ है, लेबल को ले लिया, बटन को ले लिया और टेक्स्ट फील्ड को ले लिया, लेकिन हमने कंटेनर में ऐड नहीं किया हुआ है। तो उसको ऐड करने के लिए हम C.add मेथड यूज करते हैं, मतलब वो हमारा L1 जो है वो ऐड हो गया समझ लो हमारा कंटेनर में। फिर C.add हम सबको ऐड करेंगे, ऐड हमारा लेबल में एक बार हम टेक्स्ट करेंगे ये T1 करेंगे, उसके बाद C.add हम ऐड करेंगे, बटन को भी हम ऐड करेंगे। ठीक है तो हमने यहाँ पे B1 भी डाल दिया, B1 को भी ऐड कर दिया, ये L1 है ना कि LI। ओके तो हमने ये सब किया, अब तक हमने मेन मेथड को कुछ भी नहीं किया हुआ है, अब हमारा मेन मेथड पे काम आएगा। अब हमने फ्रेम हमारा जो फ्रेम था हमने फ्रेम को एक्सटेंड तो किया हुआ है। ओके फ्रेम को हमने एक्सटेंड कर दिया है फ्रेम क्लास को। अब हमें फ्रेम को यहाँ पे मेन, अब हमारा जो मेन एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन, हमें उसके अंदर उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसके ऑब्जेक्ट के लिए हमारा जो ये कंपोनेंट है इसका हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाम फ्रेम लिख देंगे क्योंकि इनडायरेक्टली ये फ्रेम को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे जे जावा ओके प्लीज वेट जावा कंपोनेंट। ओके अब हम इसके बाद जो हमारा फ्रेम है इसका जावा कंपोनेंट का जो ऑब्जेक्ट है फ्रेम, हम उसका हम सेट बाउंड करेंगे। सेट बाउंड सेट बाउंड मतलब जैसे हमको बोला था, मैंने आपको बोला था सेट बाउंड हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड हाइट एंड विड्थ चार पैरामीटर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंसी शो कर रहा है एक्स वाई विड्थ एंड हाइट, ये चारों इंटीजर वेरिएबल होते हैं, इंटीजर वैल्यू होते हैं। तो हमने एक्स एंड वाई एक्स एक्सिस से कितना हमारा, जैसे कि हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हम एक्स एक्सिस से हम समझ लो 100, 200, 200 हमारा इसका साइज हम कर दे रहे हैं, चलो 400 कर देंगे सिंपल सा, एक स्क्वायर जैसा एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा हमारा। फ्रेम का सेट बाउंड हमने हाइट एंड विड्थ हमने 400 दिया है, मतलब एक स्क्वायर टाइप का वो क्रिएट होगा। और इसमें एक होता है फ्रेम का विजिबिलिटी के लिए, तो हम FRAM डॉट सेट विजिबल को हम ट्रू कर देंगे, ऑलरेडी ट्रू हो गया, इंटर मार दिए। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पैरामीटर कॉल इन द कंस्ट्रक्टर प्रॉब्लमेटिक कॉल इन कंस्ट्रक्टर क्रिकेट कंटेंट पेंट का कुछ इश्यू है, देखेंगे ये हमारा वार्निंग है जो ना कि कंपाइल करेंगे। पहले देखिए वीडियो का साइज कितना बड़ा हुआ, 14 मिनट का वीडियो हो गया। अब हम इसको जल्दी से जल्दी रन करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स लेट मी सी, ओके हमारा तीनों कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि हमने टेक्स्ट बॉक्स को इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा है, नेम हमारा दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स छोटा सा दिख रहा है और बटन दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे इसमें हमने देखा स्विंग कंपोनेंट को ऐड कैसे करते हैं, फ्रेम को विजिबिलिटी कैसे करते हैं, सेम का सेट बाउंड कैसे करते हैं।
तो इसका साइज हमने देखा कि 400 है, स्क्वायर है एक, और हमने कंटेंट पेन मतलब जो ये हमारा नेम और टेक्स्ट बॉक्स ओके है, एक इसके बाहर ये एक कंटेनर है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा कंटेनर है। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो दिख क्यों नहीं रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू डाल देते हैं, तो आई थिंक को उससे पता हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा हैवी है, हमें इसको पहले कट करना पड़ेगा एवरीथिंग, सो लेट्स क्लोज इट। ओके, तो इसमें हम डाल देते हैं NPIT UPADHYAY। ओके कंट्रोल एस, हम इसको रन कर दिए, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। बस हम इस प्रोग्राम को इतना ही एलेबरेट करेंगे। देख रहे हो यहाँ पे अंकित उपाध्याय का नेम है हमारा अंकित उपाध्याय। ओके, तो हमने 3 कंपोनेंट्स यूज किए हुए हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिसनर्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक हमारा इतना ही, हम इस पे एक और ट्यूटोरियल बनाएंगे। लेआउट हमारा एक नल लेआउट यूज करेंगे, हम एक प्रॉपर एक फॉर्म बनाएंगे। ये हमारा एक लाइन में आ रहा है, तो इसको हम सेट बाउंड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये हमारा जो कंटेनर टाइप है वो हमारा फ्लो लेआउट है। तो फ्लो लेआउट का प्रॉपर्टी होता है कि हम उसको ये फ्लो होते रहेगा, मतलब सेंटर में ऑलरेडी आता है फ्लो लेआउट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओके गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।